हेलो सन मून एंड राइजिंग स्कॉर्पियोज़ वेलकम टू माई चैनल रीन टैरोड ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है टाइमलेस मीन्स के जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लाइक like, जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा और आप अपने जो एक साइन के हिसाब से सन मुन रॉजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं अपने अग, मेरे अदर टाइमलेस मैसेज ऑन माई चैनल और हो सकता है उस वक्त में वो आपसे रेजोनेट कर जाए कलेक्टिव मीन जितना रेजोनेट उतना लें और लेट्स uh, सी अगर आप मेरे चैनल नहीं हुए तो उसको करें मैं दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं ओके okay, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस सो सी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लेबर्स uh, के पर्सन के करंट uh, फीलिंग्स क्या है फॉर लिब्रास तो यहाँ पे एक कार्ड गिरा है टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स सो इट्स मीन कि आपके पर्सन आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं बट वो आपके पास आपके साथ कमिटमेंट तो चाहते हैं आपके पास कमिटमेंट लेके आना तो चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है और ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको कोई प्रोग्रेस लगती नहीं है बट वो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बट स्लोली एंड स्टडी सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए वो स्टिल आपके साथ एक लव बॉन्ड फील करते हैं लव बॉन्ड फील करते हैं विद यू वॉट आर स्कॉर्पियोज पर्सन करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियोज पर्सन करंट फीलिंग्स फॉर स्कॉर्पियो अंडरनीथ आपके पास है ओके okay. मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको आपके साथ जो हैप्पीनेस थी उनकी जो हैप्पीनेस और लव वो आपके लिए फील करते हैं उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके साथ जो उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो एंडिंग चाहते हैं इस पेनफुल साइकिल की और वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं विथ यू इस रिलेशनशिप में ओके okay, वो आगे बढ़ना चाहते हैं सक्सेसफुली मूव मूव करना चाहते हैं आपके साथ और हो सकता है कि पास में आपका उनका रिलेशनशिप अच्छा रहा हो बहुत ज़्यादा और आपकी उनके साथ जो भी बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम था आपका और वो जो है मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको मतलब अगर ब्रेकअप सिचुएशन थी तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे बट अब वो हार मान चुके हैं वो मूव फॉरवर्ड करें ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए अदरवाइज जो लोग जिनके पर्सन ने कभी हार नहीं मानी और वो इस रिलेशनशिप में कभी गिवअप नहीं करना चाहते तो वो अभी भी गिवअप नहीं करना चाहते और वो आपके साथ ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को सो so, यस yes, वो आप उन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव रखते हैं अनकंडीशनल लव है उनका से प्यार आ, का इजहार करना चाहते हैं बट उसको कंट्रोल करें या वो कंट्रोल हो रहा है ख़ुद से और यहाँ पर जो है वो चैलेंज ये है उनके लिए कि अब वो अपनी मेच्योरिटी नहीं दिखा सकते उनको उनकी जो मेच्यो इमेचोरिटी है लाइक वो अपनी इमेच्योरिटी नहीं दिखा सकते उनकी जो इमेच्योरिटी है वह बहुत बड़े चैलेंज हैं उनके लिए क्योंकि वो जो एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं जो एक्शन उन्हें लेने चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं तो ये अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि अगर वो बड़े स्टेप्स नहीं लेते हैं तो आगे जाके बहुत सी चीज़ें लाइक वो अपने इमोशंस में तो बहुत मेच्योर है लेकिन एक्शंस में वो मेचोर नहीं है तो ये उनके लिए चैलेंज है उनको मेच्योर होना होगा अगर वो चाहते हैं रिलेशनशिप बेटर हो तो उनको वो एक्शंस लेने होंगे जिनके बाद उनका रिलेशनशिप आपके साथ बेटर हो सकता है तो यहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं बट यहाँ पर वो कोई सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं सोच समझ के फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं कॉन्फ्लिकचुअल एनर्जी है उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं हो सकता है पास में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो इर्द गिर्द के लोगों के से मैनिपुलेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो मिलती है उनको लाइक वो मैनिपुलेट करते हैं उन्हें और कॉन्फ्लिक uh, क्रिएट लोगों की वजह से हुआ और अब वो पीसफुली सोच रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का रिज़ोलमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने के हवाले से लाइक मेच्योर कमिटमेंट देने के हवाले से सोच रहे हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी कैसे दे सकते हैं और हो सकता है वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं इस वक्त भी और uh, बट वो उनका एक्शन उतना मेच्योर नहीं है सो सी कि उनके लिए एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से एडवाइजेस क्या हैं व्हाट आर द एडवाइजेज फॉर अबंडेंस। तो उनको ये कहा जा रहा है कि उनकी उनको अपनी अबंडेंस पे इस वक्त फ़ोकस करना चाहिए जैसे कि वो अपने वर्क पर अपने आप को स्टेबल बनाने पे फोकस कर रहे हैं तो अगर वो अपनी अपनी लाइफ में अबंडेंट लेके आएंगे तो लाइक अपनी लाइफ को लग्जरी बनाएंगे लाइक अपने हैसियत के हिसाब से जैसा भी है उसमें वो बेसिक चीज़ों का आ, का ख्याल रखते हुए कि लाइफ की में बेसिक चीज़ों की क्या नीड्स होती हैं उनका ख्याल रखते हुए वो अपने आप को लाइफ को अबंडेंट करेंगे तो शायद वो स्टेबल लाइक वो आपको पूरी तरीके से अब परफेक्ट लाइफ देना चाहते हैं तो वो अपने आप को पहले फ़ाइनेंशियल उनको पढ़ना चाहिए अपने फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहिए रिजेक्शन तो यहाँ पे उनको डर है कि कहीं रिजेक्शन उन्हें ना मिल जाए अगर वो इसमें काम नहीं करते अपनी आ, ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे तो शायद आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन मिल सकती है ये भी उनको एडवाइस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से फॉर गिवनेस तो जो भी पास में हुआ उस उनको कहा जा रहा है कि उसको भूल के आगे बढ़ें और डिवाइंस की मदद से वो फॉरगिव करें जो भी पास में हुआ उसको फॉरगिव करें भूलें आपके से अगर उनको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक की थी तो उसको उसको भूल के आगे बढ़ें तो चीज़ें बेहतर होंगी उनके एक्शन इतने मेचोर नहीं हैं लेकिन वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं एक्सपेंशन तो मींस कि उनको अपनी सोच को बड़ा करना होगा यस yes. उनको अपनी सोच को बड़ा करना होगा अगर वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे, तो उनको अपनी सोच को बढ़ा करना होगा और इसके अलावा उनका नेक्स्ट सेक्शन ये है कि वो इनडिसिव हैं हो सकता आगे जाके भी थोड़े से इनडिसाइसिव हो जाएं, बट वो नॉस्टेलजिक रहेंगे अपने पास की बातों को सोचते हुए स्टिल वो आपके साथ रिकन्शन के हवाले से सोचते ही रहेंगे लाइक like, जैसे वो चाहेंगे कि आप वापस उनकी लाइफ में आएँ स्टिल कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो आपको दोबारा से अपनी लाइफ में मैनीफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट स्टिल वो स्टेप लेंगे आपकी तरफ इनिशियल स्टेप ज़रूर लेंगे कॉल या टैक्स कर सकते हैं आपको उनकी तरफ से मिल सकता है और यस मेजर रिकन्सिलियेशन जो कि डिवाइन हेल्प हो सकती है उनके लिए वो यहाँ पर पॉसिबल मुझे नज़र आ रही है विद इन वन मंथ सो so, यहाँ पर आ, एक मेजर रिजरक्शन हो सकती है जो रिलेशनशिप डेथ था उसमें दोबारा से जान आ सकती है विद द डिवाइन हेल्प और अगर वो फर करते हैं लर्न करते हैं आगे बढ़ते हैं पास के मिस्टेक्स को भूलते हैं तो जाके इसमें कोई बेहतरी आएगी और लोग के इन्फ्लुंस में आके वो इन अगर हो भी रहे तो वो इसको भी एक तरफ रख के रिकनसिलेशन के हवाले से ज़रूर सोचेंगे और करेंगे स्टेप्स लेंगे एक लिटल एक छोटा um, थोड़ा मोस्ट लाइक थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा स्टेप ले सकते हैं टुवर्ड्स तो यू जैसे कि एक कॉल या टैक्स वगैरह बातचीत कर सकते हैं आपसे तो दैट वॉज यू रीडिंग इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट ब्लो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग